जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो क्योंकि यमराज भी आए आपको लेने, तो कहे भैसे बाप आप बैठिए, आप भैसे बाप बैठिए, नहीं नहीं भैसे बाप बैठिए, नहीं नहीं आप पैदल चलने अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं नहीं देखिए आप भले आदमी है, नेक आदमी है, आप भैसे आइए, आप भैसे बाप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा, मैं पैदल चलूंगा, ऐसे बंदी सबको हंसाने वाला आखिर रुला गया, नहीं रहा कॉमेडी का बादशाह। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन। 42 दिनों तक लड़ी जिंदगी से जंग। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन जीवन की ये जंग हार कर आखिरी सांसें दिल्ली के एम्स में ली। उनके निधन से पूरा देश सदमे में है। बता दें कि 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार कॉमेडियन का निधन हो गया है। दरअसल हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उन्हें पहले आईसीयू में एडमिट करवाया गया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार न होने के बाद वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। कार्डियक अरेस्ट के बाद राजू श्रीवास्तव के दिमाग पर भी इसका असर हुआ, जिसकी वजह से उनका ब्रेन डैमेज हो गया था। भरपूर कोशिश के बाद भी डॉक्टर्स राजू श्रीवास्तव को बचा नहीं पाए और सबको हंसाने वाला कॉमेडियन सबको रुलाकर हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। राजू श्रीवास्तव का जन्म 24 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ था। बचपन से ही हास्य व्यक्तित्व के कारण इनकी रुचि हास्य कलाकारी में थी। राजू श्रीवास्तव ने मुंबई में अपने करियर की शुरुआत अमिताभ बच्चन की मिमिक्री से की और उसी के जरिए फेमस हुए थे। इसके बाद अलग अलग कॉमेडी शो में उन्होंने काम किया। ये आप क्या कर रहे हैं राजू जी? ये टॉकी मूवीज है, साइलेंट फिल्म नहीं है, ये आप कर क्या रहे हैं? मैं वार्म अप हो रहा हूँ। ओह मतलब आप किरदार में घुस रहे हैं? मैं किरदार में घुस रहा हूँ, मैं अमित जी को मैं अंदर ला रहा हूँ। ओके, इलाहाबाद मेरे अंदर आओ, जुहू 10वां रास्ता मेरे अंदर घुस जाओ। आगे अच्छा, अब रामू की शोले में अमित जी गब्बर कुछ ऐसे बने होंगे। अरे भैया कालिया, आपने बताया नहीं कितने आदमी थे? ओ, वो दो और आप साहब तीन, फिर वे खाली लौटा आए। क्या सोच के आए थे कि मैं बहुत खुश होऊंगा? यू रिटर्न जस्ट एम्प्टी हैंडेड। कमाल करते हैं। अरे इतनी दूर गए थे, कम से कम साबुन तेल घी कपड़े लत्ते किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेके आते, कुछ विज्ञापन वगैरह हो जाते हैं। कमाल करते हैं। इसके बाद अलग अलग कॉमेडी शो में उन्होंने काम किया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में काम करने पर उन्हें भारत भर में प्रसिद्धि हासिल हुई। इस शो में उन्होंने आम आदमी के जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों पर व्यंग्य किया, जिसके बाद हर घर में राजू श्रीवास्तव का नाम गूंजने लगा था। हर बारात में एक दो रिश्तेदार ऐसे जरूर होते हैं जो सोचते हैं कोई कहे तो मैं डांस करूं। हाँ। बारात के किनारे खड़े होकर वार्म अप होते रहते हैं। बरात रोको, दीदी डांस करेंगी, जलेबी डांस, कल्याण वाली दीदी डांस करेंगी। अरे भैया हमसे नहीं होता वो, तुम लोग करो, हमसे सब। अरे हटो, दीदी डांस होगा तो बरात जाएगी, नहीं तुम लेटे हमारी लाश पे बरात ले जाओ। दीदी खींच के लाए, बजा भाई दीदी डांस करेंगी, जलेबी डांस। स्टैंड अप कॉमेडी शो कॉमेडी का महाकुंभ, कॉमेडी सर्कस शक्तिमान और बॉस 3 में भी वो नजर आए। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। 1988 में
तेजाब फिल्म के साथ उन्होंने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया, जिसके बाद जर्नी बॉम्बे टू गोवा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, द ब्रदर्स जैसी फिल्मों में भी नजर आए। ये हास्य कलाकार हमें अलविदा जरूर कह गया है, लेकिन सभी के पसंदीदा कलाकार राजू की यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।